की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। चलो बेटा अपने ससुराल चलने की तैयारी करो। बुरा मत मानिएगा लेकिन मेरा तो कोई ससुराल ही नहीं है और ना ही मुझे यहां से कहीं जाना है, समझे आप? इससे मेरी बात सुनो, तुम कैसे खुश रहोगी मेरे साथ? तुम जो बोलोगी वो करने को तैयार हो? साथ कर दो मुझे। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। फिर रो रही हो? सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तो हो रहा है। तुमने कहा था ससुराल नहीं जाना, मैं मम्मा को मना कराया। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे आंसू मुझे अजियत देते हैं। अच्छा बोलो तुम कैसे खुश रहोगी मेरे साथ? तुम जो बोलोगी वो करने को तैयार हो? तुम्हें पता है मेरी आंखों में से आंसू क्यों होते हैं? क्योंकि तुमने मुझे मेरे नसीब में सिर्फ आंसू दिए हैं, नहीं देखे जाते। बहुत दुख होता है, तो मेरे सामने मत आया करो। उनसे दूर रहा करो, क्योंकि जब जब मैं तुम्हारी सूरत देखती हूं ना, तो अपने खसारे का बहुत शिद्दत से एहसास होता है मुझे। तुमने जान मांग ली मेरी,
खोल के देखो, शायद देख के तुम्हें खुशी हो। क्या है इसमें? मेरी वजह से तुम्हारे अपने तुमसे दूर चले गए थे ना, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा घर सब छूट गया था। मुझसे जुड़ा रहना तुम्हारी चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी है। तो बस मैंने फैसला किया है कि मैं इस मजबूरी के रिश्ते को, इस मजबूरी के सफर को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। इस अपार्टमेंट के पेपर्स हैं, इसमें तुम्हारे नाम कर दिया मैंने। एक ब्लैंक चेक है, तुम जितनी रकम उसमें भरनी हो लिख लेना। तुम्हारी इज्जत और आबरू पे लगे दाग दुनिया का कोई भी ब्लैंक चेक मिटा नहीं सकता। लेकिन ये पैसे सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, ताकि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सको। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। कागज के एक बेजान सफे ने तुम्हें हमेशा के लिए मेरा बनाया था। अब कागज का ये बेजान सफा मुझे हमेशा के लिए तुमसे अजनबी कर देगा। लेकिन पहले मैं तुम्हारे घर वालों को मनाना चाहता हूं। नहीं बताना चाहता हूं कि कसूरवार मैं था। तुम हमेशा से बेकसूर थे। जब वो लोग मान जाएंगे और फिर तुम जब कहोगी मैं इन पे साइन कर दूंगा। अगर जरा सी भी खुशफहमी होती ना मुझे कि तुम मान जाओगी, तुम मुझसे कहोगी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, पूरी कोशिश करता। तुम्हारी मिन्नत समाजत करता। हाथ जोड़ता तुम्हारे आगे कि प्लीज मेरी जिंदगी से मत जाना। तुमसे कहता कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। लेकिन मैं जान गया हूं कि तुम इतनी पत्थर नहीं हो गए हो। मेरी कोई भी बात तुम्हारे लिए बेअसर है। मैं तुमसे सब कुछ कहता हूं लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। Thank you.
बस इसलिए फैसला किया है। मैं दूर चला जाऊंगा तुमसे। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो फिर ऐसे ही सही। मैंने सोच लिया कि तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं दूर चला जाऊंगा तुमसे। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो फिर ऐसे ही सही। मैंने सोच लिया कि तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये फैसला करते वक्त पहली बार मैं अपने आप को बहुत खोखला महसूस कर रहा था। लेकिन क्या फायदा है, तुम नहीं समझोगे इस तरह। बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। अंत नहीं है किसी भी तरह किसी भी कीमत। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का सामने मत आया करो, उनसे दूर रहा करो, क्योंकि जब जब मैं तुम्हारी सूरत देखती हूँ ना, तो अपने खसारे का बहुत शिद्दत से एहसास होता है मुझे।
हेलो खुशी है तो फिर ऐसे ही सही। जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके, जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके, हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। डॉक्टर साहब, शाहजेब की तबीयत कैसी है? कंडीशन ठीक नहीं, बस आप दुआ करें।
हेलो, शुक्र है तुमने मुझे फोन कर दिया, वरना मुझे लग रहा था कि तुमने तो फोन करना ही नहीं। मुझे ही तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारे भाई की शादी बहुत करीब है, आना है तुमने। आंटी, शाहजेब का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कब? कैसे? मुझे नहीं पता क्या हुआ है, डॉक्टर्स कुछ नहीं बता रहे, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, प्लीज हॉस्पिटल आ जाए। मैं अभी आती हूँ हॉस्पिटल, अभी आती हूँ। अल्लाह, पता नहीं मामा को भी क्या शौक है मुझे किचन में भेजने का और सारे काम करवाने का। शाहजेब का फोन, ओह अल्लाह, अगर मैं भी नहीं उठाऊंगी तो फिर बार बार कॉल करेंगे, क्या करूं? हेलो, कहाँ हो तुम? सुबह से इतने मैसेजेस कर चुका हूँ, एक भी रिप्लाई नहीं किया। देखती तो रिप्लाई करती ना। मतलब क्या कर रही हो? क्योंकि मेरे दोनों हाथ बिजी हैं, आटा गूंद रही हूं यार। क्या? ये तो बड़े मजे का सीन होगा फिर। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूँ, फोन उठाओ। अभी ऐसे बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं ना, बस फोन उठाओ। तुम जी, हेलो। देख लिया आपने मेरे दोनों हाथ बिजी, आटा भी नहीं चाहिए। देख के बाल ना चले जाए उसमें। मन आ जाए। आता है थोड़ा थोड़ा काम, इतना भी नहीं होता। अच्छी लग रही हो। शाहजेब का एक्सीडेंट हो गया। क्या? आपको कैसे पता चला? अरे तुम चलो तो सही, इसरा का फोन आया था, उसने मुझे बताया। मेरे बेटे का क्या हाल होगा? या अल्लाह। कैसे मेरा शाहजेब? सर्जरी चल रही है। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बस हॉस्पिटल से कॉल आई कि शाहजेब का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह, मेरे बच्चे की जान बख्श दे, मेरे मौला, मेरे बच्चे की जान। जरूर तुम्हारी वजह से उसे कोई परेशानी होगी, वरना इतना बड़ा एक्सीडेंट उसका कभी ना होता। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, सब कुछ उल्टा हो गया। अगर मेरे शाहजेब को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुनो तुमने, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें मैं। अल्लाह बेहतर करेगा मामा, आप आइए बैठिए। आज शाहजेब, इसका ऑपरेशन हो रहा है। ये क्या हो गया?
रजा ने जैसे ही फोन किया हम भागे चले आए। कैसा है शाजी? बस तुम दुआ करो फरहत, अल्लाह अपना करम करेगा, इंशाल्लाह शाजी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। रजा डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स सर्जरी से पहले कुछ नहीं कह सकते। समीरा समझाओ इसको। शाहजेब को कुछ भी हुआ ना मैं तुम्हें रोज़ नहीं छोडूंगी। Can you guys stop it? वहाँ पे शाहजेब अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं और तुम लोग जान पे बनी है तो इस मनहूस की वजह से, और तुम इसकी साइड ले रहे हो। छोड़ो मुझे। उसकी साइड नहीं ले रहा, हॉस्पिटल है, उसका एहसास कर रहा हूँ। होश में आओ, क्या कर रही हो निमरा? अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन अगले 6 से 8 घंटे बहुत अहम है उनके लिए। अगर उनको होश ना आया तो कोमा में भी जा सकते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह। आप लोग दुआ कीजिए। आप लोग में से इसरा कौन है? मैं हूँ इसरा। शाहजेब बार बार आपका नाम ले रहे हैं। प्लीज आप आइए मेरे साथ। लाख लाख शुक्र है कि सर्जरी कामयाब हो गई। आप देखिएगा कि शाहजेब को बहुत जल्द होश आ जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी निमरा को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, मैं अभी चलती हूँ, बाद में चक्कर लगाऊंगी। ठीक है? ठीक है, जा। चलो तमाशा बनवा रही हो, चलो चलो यहाँ से। चले मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आइए फिर मैं आप ही को ड्रॉप कर देता हूँ। मैं यहीं पर ठीक हूँ। आप घर चली जाए आंटी, मैं हूँ शाहजेब के पास। तुम्हें लगता है मैं अपने बेटे को इस हालत में छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी? आप दोनों को चले जाना चाहिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ शाहजेब के साथ। मैंने तुमसे कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, यही रहना अपने शाहजेब के पास।
आप दोनों का यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है यार। वैसे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं तो क्या करूं? क्यों, बेवफाई का इरादा? हो भी सकता है। हो सकता है, तो मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? मुझे तो चले जाना चाहिए फौरन। बस मैंने सवाल किया नहीं, मूड पहले ऑफ कर लिया। एक जनरल क्वेश्चन है यार, पूछ रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, अपना सवाल देखो कितना स्टूपिड है। मैं दिन रात बैठ के ये सोचती रहती हूँ कि बाबा को कैसे बताऊंगी, मामा को कैसे मनाऊंगी, भाई को कैसे राजी करूंगी, और तुम यहाँ पर छोड़ने छोड़ाने की बातें कर रहे हो। अरे मैं, इंसान को बेवफाई जब करनी होती है ना तो पहले नहीं करता, पहले इरादा करता है बेवफाई का। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम्हें छोड़ के जाना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि भाई अगर मैं मर गया और तुम्हें नहीं अपना पाया। शाहजेब, तुम्हारे पास कोई और बात नहीं करने के लिए? इतनी मुश्किलों से मैं आती हूँ तुमसे मिलने के लिए, उसमें भी तुम बेवफाई, मरना, ये सारी बातें करो। तो मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं करो मुझसे ऐसे सवाल, मैंने नहीं कोई टेक्निक। अच्छा भाई सॉरी। नहीं नहीं, मामा भाई के लिए कितनी फिक्रमंद लग रही है। इसी की तो नजर लग गई मेरे शाहजेब को। जब तक उसने इसकी जिद नहीं की थी, हंसता था, खेलता था, माँ का फरमा बरदार था, माँ के हुक्म को हरफे आखिर समझने वाला मेरा बेटा माँ को छोड़कर चला गया इस लड़की की खातिर, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। मामा मैं जानता हूँ भूलना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए खुद आसान नहीं है, लेकिन अब भूलना तो पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल अब वो शाहजेब के निकाम। नहीं मानती मैं इस रिश्ते को। डॉक्टर को देखो, पता करो क्या हाल है मेरे शाहजेब का। अच्छा मैं पता करता हूँ। मुबारक हो, पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। उन्हें होश आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र। डॉक्टर साहब मैं अपने शाहजेब को देख सकती हूँ? बस थोड़ी देर में वो रूम में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप उनसे मिल सकती हैं। थैंक गॉड, या अल्लाह तेरा कितना शुक्र। मुबारक हो भाभी, भाई को होश आ गया।
लोग में से इसरा कौन है? मैं हूं इसरा। शाहजेब बार बार आपका नाम ले रहा है, प्लीज आप आइए मेरे साथ। क्या हो गया निम्रा तुम्हें? ना पागलपन, कल हॉस्पिटल में क्या किया तुमने? इतना तमाशा क्यों? तमाशा? अभी तमाशा किया कहाँ है मैंने? अभी तो करना है। इतना पागलपन बस कर दो प्लीज। तुम्हारी ऐसी हरकतें हमारा सारा काम खराब कर सकती हैं। तो होता रहे तुम्हारा काम खराब। उस इसरा का वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ना तुम कुछ भी कह लो, रियलिटी ये है कि वो शाहजेब के निकाह में है। बस यही एक बात मुझे सुख का सांस नहीं लेने देती। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन इस वक्त सिर्फ शाहजेब की जिंदगी के लिए दुआ मांगो तुम। वो जिंदा होगा तो उसे पा सकोगी ना तुम? दुआएं तो वो कर रही होगी जिसका कल वो बेहोशी में नाम ले रहा था। कहा था एक बार नहीं हजार बार उससे कहा था, लेकिन जैसे इसरा की शक्ल देखता था मना कर देता था। पता नहीं शाहजेब ने खुद से फैसला लेना तो अब छोड़ ही दिया है। मुझे कहने लगा कि इसरा वहां कंफर्टेबल नहीं रहेगी। इश्क का भूत सर चढ़कर बोल रहा है। फूल लाई थी मैं तुम्हारे लिए। जाओ यहां से। तुम्हारी आजादी के पेपर्स है। सब कुछ खैरियत हुए भाई? मामा की तबीयत तो अपने काम से काम रहो, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमारे साथ। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनून जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है।